गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक चित्र दिख रहा है बेटा, यहां पे स्क्रीन पे देखिएगा मुझे और बताइएगा कि ये क्या चीज है, क्या चीज है और कितनी है, उसको आपको अंग्रेजी में बोल के बताना है। ठीक है, क्या देखा आपको यहां पे? एक बॉल नजर आई, एक बॉल है ना। इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे बताइए? दिस This is one ball. ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको? बर्ड दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। कितनी चिड़िया है? एक। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? This is one bird. बहुत बढ़िया। अब क्या दिख रहा है आपको? एक लड़की दिख रही है, एक लड़की। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज वन गर्ल। ठीक है, आप देखिए, एक बॉल, आपने एक बॉल को कहा वन बॉल, एक बर्ड, एक बर्ड को आपने कहा वन बर्ड, एक लड़की, एक लड़की को आपने कहा वन गर्ल, वन वन वन। इस वन को शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और जब हम इसको छोटा करेंगे तो हम इसको बोलेंगे ए। सारे वन की जगह आप ए, एक कह सकते हैं। जैसे दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ गर्ल। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? चलिए, अब क्या दिख रहा है आपको सामने? एक संतरा दिख रहा है। इसको आपको इंग्लिश में बोलना है कि ये एक संतरा है, ये एक संतरा यानी ऑरेंज। कैसे बोलेंगे? दिस इज वन ऑरेंज। हम इस वन को भी छोटा करते हैं। ठीक है, वन को छोटा करते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस इज ए ऑरेंज। ठीक है, करेक्ट है क्या? ए ऑरेंज। जैसे ए बॉल, ए बर्ड, अ गर्ल, अ ऑरेंज। थोड़ा साउंड गड़बड़ है ना, ए नहीं आएगा। क्या इसमें गड़बड़ी है और कैसे ठीक करेंगे, इसको जानने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताती हूं। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं अ आ ई ई, आपने पढ़ा होगा, उसी तरह इंग्लिश में भी स्वर होते हैं। आप उनसे परिचित हैं? ए ई आई ओ यू, हम इन्हें कहते हैं वॉवल्स, स्वर। और इसके अलावा जो और अल्फाबेट्स बच गए, बोलिएगा बी सी डी एफ जी वगैरह वगैरह, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। इन शब्दों से आप लोगों का परिचय है क्या? ए ई आई ओ यू, आप लोग एबीसीडी सीखते रहोगे स्टार्टिंग में, तो ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ऐसा सीखा होगा, है ना। चलिए एक एक शब्द बताइए। ए से
एप्पल, ई से एलिफेंट, ठीक है, आई से आइसक्रीम, ओ से ऑरेंज या आउल, आउल शब्द सुना है ना, आउल और ऑरेंज दोनों आप जो बोलना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, यू से अम्ब्रेला, अब पढ़ के बताएंगे, एप्पल, एप्पल, ए, ध्वनि को पकड़िएगा, एंट, एप्पल, ये ए जो साउंड आ रहा है, ए, एप्पल, ये एप्पल साउंड या ए साउंड जो आ रहा है, इस साउंड से परिचित होइए, आप स्पेलिंग्स पे मत जाइए, साउंड को पकड़िए, एप्पल, एलिफेंट, ए, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आई, आउल, आउल या ऑरेंज या ऑटर, ओ या ऑक्स, अम्ब्रेला, यहां हम लिख रहे हैं यू, पर जब इसका उच्चारण होगा तो अम्ब्रेला, अंकल, समझ में आ रहा है आपको, ये साउंड्स ए ई आई ओ यू, ये ध्वनियां, ये स्वर जिस शब्द के पहले आएंगे वहां हम ए की जगह एन यूज करेंगे। ये जो स्वर हैं, आपको स्वर पे ध्यान देना है। हम पढ़ते हैं यू, लेकिन जब इस यू के साथ कोई स्पेलिंग जुड़ जाती है तो इसका उच्चारण स्वर, अम्ब्रेला जैसा आपने पढ़ा, अंकल, क्लियर हो रहा है आपको, इस ध्वनि को देखिएगा, जब ये ध्वनि आती है उस तरह की तो आपको वहां पे एन यूज करना है। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? चलिए कुछ मैं आपको और वर्ड्स देती हूं, ये आपके सामने, आप मुझे देख के बताते जाइएगा कि क्या लगेगा, आप ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। जैसे यहां पे क्या दिख रहा है आपको, बैल नजर आ रहा है, बैल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्स, आपको इंग्लिश में बोलना है इसको, दिस इज ए ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स, जल्दी जल्दी बोलो, दिस इज ए ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स, किस वाक्य को बोलने में आपको आसानी हुई, दिस इज ए ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स, कौन सा, एन, एन, सुनने वाले को सुनाई पड़े, एऑक्स, एऑक्स, एनऑक्स, समझिए, आपके उच्चारण को अच्छी तरह से लोग सुन सकें और आप अपनी बात को अच्छी तरह से जो ध्वनि है सही निकाल के बोल सकें, इसलिए यहां पे हमने ए की जगह एन लगाया है ऑक्स के आगे। इसका मतलब भी एक, इसका मतलब भी एक, ये दोनों जो है ये वन के शॉर्ट फॉर्म है, ए और एन जो है ये वन का छोटा रूप है, एक का छोटा रूप है। बोल के देखिए, दिस इज अ एप्पल, दिस इज एन एप्पल, किसको बोलने में आपको ज्यादा आसानी हो रही, बोलिए, अ एप्पल, एन एप्पल, अ एप्पल, थोड़ा मिल गया, मिक्स हो गया, जल्दी जल्दी बोल दिया, सामने वाले को समझ ही नहीं आया आपने बोला क्या, वही आप क्लियरली बोलेंगे,
दिस इज एन एप्पल. आपको बोलने में भी तकलीफ नहीं हुई, सामने वाले को क्लियर समझ में आया कि आप बोल रहे हैं एक एप्पल. तो साउंड, हम कभी भी इस बात को ना सोचें कि स्पेलिंग को देख के हमको इन स्पेलिंग्स के आगे एन लगा देना है. अगर इस तरह की गलती आपने की तो आप कई शब्द यू से ऐसे बनते हैं जिनके आगे एन नहीं लगाया जाता. मैं आगे बताऊंगी आपको, क्योंकि वहां पे यू का प्रोनंसिएशन अ नहीं होता. तो जब प्रोनंसिएशन अ नहीं है यू, तो वो तो गलत हो जाएगा. फिर इस चीज को आपको ध्यान रखना. मैं कुछ शब्द यहां पे लिखूंगी और आप मुझे बताएंगे कि आप उसके सामने ए लगाएंगे या फिर एन. जैसे ये आपको याद हो गया ए ई आई ओ यू. मैं एक बार इसको मिटा रही हूं. कुछ वर्ड्स हैं आपको ए और एन लगाते चलना है, ठीक है? पेंसिल बॉक्स, ए और एन. ए, वेरी गुड. कॉपी एन, सॉरी ए. ईल इज अ काइंड ऑफ फिश, स्नेक लाइक फिश होती है, सांप जैसी दिखती है. एन ईल, ई उच्चारण हो रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा. उच्चारण को लेते हुए एन ईल, ए ईल थोड़ा सा डिफिकल्ट. इसके अलावा बॉक्स, ए बॉक्स. इसके अलावा अंकल, बताइए एन अंकल. यूनिट टेस्ट होता है आपकी क्लास में, यूनिट टेस्ट होता है ना, यूनिट टेस्ट. स्पेलिंग यूनिट, यूनिट अंकल. अम्ब्रेला, साउंड सुनिए, हम एक जगह बोल रहे हैं अम्ब्रेला, एक जगह हम बोल रहे हैं यूनिट. अम्ब्रेला अ, ए ई आई ओ यू, ध्यान कीजिए. और यूनिट, यू का ध्वनि जो है वो आ आने पे आप एन करेंगे, यहां यूनिट आ रहा है. यूनिट, यूनिट ए ई आई ओ यू में वाई है क्या? नहीं है. तो जब यूनिट टेस्ट आएगा तो आप लिखेंगे अ. यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, साउंड्स लाइक यूनिट. अ यूनिवर्सिटी, हमने ऑरेंज को क्या कहा था? एंड हमने ऑक्स को क्या कहा? एंड हमने 1 रुपी नोट को क्या कहा? ओ, ओ, वो ध्वनि, स्पेलिंग्स नहीं, साउंड सुनिए. ऑरेंज ओ, ऑक्स व. ये साउंड डब्ल्यू जो कि कॉन्सोनेंट है. तो जब आप 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट,
एक बिल्ली दिखी मुझे कल, एक आंख वाली, एक आंख वाली बिल्ली देखी है आप लोगों ने? मैंने देखी है. वन हाइट कैट. क्या लगाया जाए? स्टार्ट हो रहा है. ओ बोल रहे हैं वन. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि हम जब वॉवल समझ जाते हैं कि हमको ए ई आई ओ यू, इनसे जो स्पेलिंग्स स्टार्ट हो रही हैं सबके आगे एन लगा दो. ये नियम सबसे ज्यादा गलत है. आपको इसके साउंड पे ध्यान देना है. ए ई आई ओ अ, ठीक है? जब इसके अलावा कोई साउंड आए जो कॉन्सोनेंट हो, भले ही उसकी स्पेलिंग इनसे शुरू हो रही हो, तो क्या करेंगे? ए लगाएंगे. कुछ और शब्द देखते हैं जो आपको ट्रिक करके गलती करने पे मजबूर कर देते हैं. जैसे एक घंटा. एक घंटा इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? एक को वन, घंटे को आर. मैं आपसे बोलूं, इस वन को छोटा कीजिए. ए बोलेंगे कि एन बोलेंगे? हमारे सामने स्पेलिंग तो एच से आ रही है. स्पेलिंग एच से आ रही है और हम बोलते, आप क्या बोलते हो ये बताओ? हावर. वेरी गुड. हावर बोलते हैं तब तो ए हावर हो जाएगा. ये बोला नहीं जाता, छोड़ दीजिए इसको. क्या बच गया? ओ यू आर. आपका प्रोनाउंसिएशन आवर भी हो सकता है, आपका प्रोनाउंसिएशन आर भी हो सकता है. दोनों ही केसेस में आवर आर. तो हम इसको बोलेंगे एन आर. बोलिए एन आर. ये एच जो है ये साइलेंट है यहां पे, मतलब आपको उसको बोलना नहीं है. एन आर. ऐसे ही एक शब्द और मुझे ध्यान आ रहा है. Honest. इसका मतलब क्या होता है? पहले इससे पहचान कर लें. Honest का मतलब होता है ईमानदार. ईमानदार, ठीक है? आपको लग रहा होगा ना मैडम honest को honest honest बार बार बोल रही है. इसमें भी वही बात है जो इस R शब्द में. आप इस H को मत बोलिए. शब्द आपके सामने आया ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति. एक ईमानदार व्यक्ति, एच को भूल जाइए, ओ साउंड पकड़िए. एन. इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देंगे हमारे शिक्षक भी कि
जो वर्ड है, जो शब्द है, उसका प्रॉपर उच्चारण होना जरूरी है, जिससे बच्चे इन साउंड्स को पहचान के इन साउंड्स के आगे एन लगा सके। इस बात का बच्चे भी ध्यान देंगे कि इन दोनों का मतलब एक होता है। हमारे बोलने की सुविधा के लिए इसको ऐसे स्वर जो ए ई आई ओ यू अ ओ आई ए ए, इसमें एलिफेंट में ई है, ए एन ई, ध्यान देंगे इस पे। आई ई लिख रहे हैं हम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आय का हो रहा है, बात वही है। एन साउंड, साउंड्स को पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और इन्हीं प्रॉपर साउंड्स के आगे एन आएगा कि आप इनको सुविधा से बोल सके। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? इस तरह से देखते हो। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका जिनके स्पेलिंग की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो सकती है, परंतु जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट बोला नहीं जाता, सोया हुआ रहता है, उसको सोने दीजिए, साउंड पे जाइए और उसके बाद आप वहां पे एन लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं टेस्ट करके आप लोगों ने कितना अच्छे से किया। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को इन साउंड्स को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, हम शब्द लिख लेते हैं। ए फॉर एप्पल आप बोलते हैं एप्पल, एप्पल, ए, ई, ईल, और एलिफेंट, और इंजन, दिस टाइम इंजन, ए, आई, इंक पॉट, आइसक्रीम, इंक पॉट, ओ, ऑक्स, ऑरेंज, ऑटर, ऑटर, जिसे हम उदबिलाव भी बोलते हैं, एंड यू, जिसको अ, इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे आप, अंकल, अम्ब्रेला, यूनिट, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो रहा है, तो आप वहां पे ए यूज करेंगे, जबकि इनके आगे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस पे ब्लैंक प्लेस होंगे, उन ब्लैंक प्लेसेस पे आपको ए या एन लगाना है। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट, आई हैव ब्लैंक प्लेस रेड पेन, रेड। अब आप बताइए क्या लगेगा इसके सामने? वेरी गुड, कॉपियों में नोट करेंगे। नेक्स्ट, शी हैज ब्लैंक प्लेस एप्पल, ए और एन, वेरी गुड। द बॉय हैज ऑरेंज, ए और एन। सीमा हैज, ये सारे जो एक्सरसाइजेस हमने की हैं वो हम यहां पे कई कई बार बात कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझती हूं टीचर भी देखें, अभी भी कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको फिर से वीडियो दिखाइए। सीमा हैज अम्ब्रेला, ए और एन। यू हैव बिग बैग, अ, ए और एन। चलिए अब इसके बाद में हमको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, लेट्स स्पीक। यहां पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी वन बाय वन, उस वो क्या है उसको आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, और फिर आप किस तरह से बोलेंगे मैं आपको बता देती हूं। जो भी पिक्चर आपके सामने आएगी आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज ए और एन, जो भी सही होगा
और उसके बाद आप उस चीज का नाम लेंगे, बोलेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे। दिस इज, एक एक बच्चा बोलते जाइए, जो आपको चित्र दिख रहा है आप उसको पहचानिए, रिकॉग्नाइज करिए और उसके बाद बोलते जाइए वन बाय वन। ए या एन आपको लगा के बोलना है, वो आप पहचानिए और वहां पे आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वन बाय वन सारे बच्चे, जो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं उनको देखिए, पहचानिए और बताइए उसमें ए लगेगा या एन। टीचर देखें सारे बच्चे बोल रहे हैं या नहीं, इस पर खास ध्यान दें। चलिए वन बाय वन, क्या दिख रहा है, जो चीज आपको नजर आ रही है, आर्टिकल्स उसके आगे ए और एन लगा के, दिस इज ए और दिस इज एन, पूरी कक्षा। वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।